हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नए तरीके से वेज पुलाव बनाना बताऊंगी। जो तरीका मेरा थोड़ा नया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए मैंने ले लिए हरी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, करी पत्ता और नॉर्मल जो प्याज रहती है वो, और हरी मटर, आलू और गाजर। आप अदर वेजेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और कुछ सूखे मसाले, तेज पत्ता, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्ची। तो जो घर में रखे हुए सूखे मसाले हम उनको ही यूज़ करेंगे। और मैंने ले लिया है फ्रेश दही। तो इन सारी चीज़ों को आपने ले लेना है। और सारी चीज़ें, अगर थोड़ी बहुत कम भी सब्जियां रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा भी हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस के ऊपर मैंने रख दिया है कुकर, और उसमें डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। गरम होने के बाद उसमें जो सारे सूखे मसाले लिए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ, और जीरा और राई। इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑनियन, और ऑनियन को जब तक फ्राई करना है जब तक ये एकदम ब्राउन कलर की ना हो जाए, जिससे जो हम वेज पुलाव बना रहे हैं नमकीन चावल, तो उनका टेस्ट एकदम हट के आएगा। तो जो सारी चीज़ों को मैं ऐड कर रही हूँ आप ध्यान से देखते रहें। हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, और करी पत्ता, और ऑनियन ब्राउन इसलिए करनी है क्योंकि जो बिरयानी जैसा थोड़ा टेस्ट आएगा। और मैं कुछ नए तरीके से, अपने तरीके से वेज पुलाव बना रही हूँ, तो सारी चीज़ों को आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो सब्जियाँ मैंने कट करके रखी हुई थी जैसे हरी प्याज, टमाटर, तो उन सबको भी एक एक करके ऐड कर देना है। इनको भुनने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी मटर, और जो गाजर और आलू हैं उनको भी ऐड कर देना है। और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 4 से 5 मिनट के लिए इनको ढक के रख देना है ढक्कन से। और ये जल्दी पक जाए तो इसमें आप नमक पहले ही ऐड कर दें, और नमक मिक्स करने के बाद आप इसके ढक्कन को बंद नहीं करना है, मतलब नॉर्मली ढक के इसको रख देना है 5 मिनट के लिए इस तरीके से, जिससे जो सब्जियां हैं वो हमारी अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो जब तक हम कर लेते हैं मसाले की तैयारी, तो मैंने ले लिया है 1/2 कटोरी फ्रेश दही, और उसमें ऐड कर दिया मैंने गरम मसाला, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। और उसके बाद इसमें पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, जिस तरीके का मैं बना रही हूँ। और यही मसाला हमारा मेन है, तो आपको बहुत ध्यान से इस मसाले को देखना है। और मैंने ले लिए हैं चावल, जिनको मैं पानी डाल के 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जब तक चावल वॉश करेंगे जब तक हमारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाएंगी 5 मिनट में। और मैंने ले लिए हैं काजू, तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा तो सब्जी हमारी अच्छे से 50% तक गल गई हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू। काजू पहले मैंने इसलिए ऐड नहीं किए थे क्योंकि वो फ्राई करते समय जल जाते, तो इस तरीके से काजू ऐड करने से काजू का टेस्ट नहीं जाता है। और जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं नए तरीके से वेज पुलाव बना रही हूँ, तो विंटर में इसको खाने में बहुत टेस्ट आता है, और स्पेशली ये विंटर में ही बनाई जाती है रेसिपी। तो मसाले को मिक्स करने के बाद और 2-4 मिनट अच्छे से सब्जियों को ढक के पकने देते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो चावल हमने धो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन चावलों को आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। मैं हर बार एक चीज़ बोलती हूँ कि कुकिंग तो सब ही करते हैं, लेकिन छोटी छोटी टिप्स और थोड़े बहुत तरीके सभी के अलग होते हैं। तो बस वही है, मेरा भी थोड़ा सा तरीका अलग है। और मैंने पानी डाल दिया है चावल से थोड़ा ऊंचा, और 2 सीटी मैंने लगा दी है कुकर में, तो हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से पक गए हैं। और आप देख सकते हैं जो सारी सब्जियां हैं वो बहुत अच्छे से ऊपर आ गई हैं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके देती हूँ गरम गरम। और किस किस को ये वाले चावल पसंद है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मुझे तो बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, और दिखने में बिल्कुल
एकदम अच्छे से मल्टी कलर दिख रहा है, गाजर दिख रहा है, तो बहुत अच्छा सा मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस पर मैं डाल दूँगी देसी घी, और विंटर में घी के साथ खाने में तो बहुत मज़े आते हैं। तो देखकर किस किस के आ रहा है मुँह में पानी। और मेरे तरीके से बनाए हुए नमकीन चावल वेज पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाय।